हेलो हेलो हेलो। देखिए ये दोनों जो कलाकार हैं वो बड़े बड़े मस्त हैं और इन लोगों ने जितना शानदार मेहनत किया है और अपने को इम्प्रूव किया बड़ी कम समय में। और ये तो फुलवारी है मोहब्बत की, इस बगीचे में जो कोई आया है वो इराइज किया है। छोटू छलिया जी हो, अनुरोध भाई हो, पवन जी हो, अक्षरा सिंह जी आए, राकेश मिश्रा जी आए, वो तो खाना खाते रहे और हम लोग तो भाई पारिवारिक रूप से चोखा भात वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं कोई ऐसा कलाकार नहीं है। हमको लगता है भैया कि इतना कलाकार आपने बुला दिया सरथुआ में कि अब कोई कलाकार आएगा ना तो ये लोग भाव ही नहीं देगा कोई। मुझे अब लग रहा है, देखिए अच्छा चीज बात कर रहे हैं, वो भाव अलग है, टीआरपी का जैसे वो स्टारडम लेके लोग आते उतर के अकड़ में ये मिलेगा, ठंडा कर दिया लोगों ने, कहा कि नहीं औकात में रहो क्योंकि देखो भाई साहब ऐसा है कि यहाँ इतनी मोहब्बत का रंग पहले ही खिल चुका है, तो भाभी भी बहुत है शानदार, बच्चे इतने संस्कारी, ये सब फुलवारी के लोग हैं। तुम जाने का दिल मत करो, ये साज बाज पे शिरकत करने वाले बहुत देर से हैं लेकिन इनको भूख भी लगी है तो मोहब्बत में बजा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे देश में जिद्दी भैया ने कहा सरहद पे कुर्बान हो जाना, ये भी कुर्बान ही हो रहे थे कब से। और मेरे बड़े भाई हैं इतना प्यारे हैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कहूंगा कि लव करने लायक है। इनकी फ्रिंज कट दाढ़ी थी, इनको अभी 4,82,000 का चश्मा मिला है गिफ्ट में। तो मैंने पूछा जिंदी भैया से कि 4,82,000 का चश्मा इसकी खासियत क्या है, बोले चैत और बैसाख जब मैं इसे लगाऊंगा तो औरत जो है पुरुष हो जाएगी, दिखेगी और पुरुष स्त्री दिखेगी। तो ये जो है ना हमारे बड़े भाई हैं, इसने कमाल किया, एक शेर पढ़ के देता हूं, ये दोनों गाएंगे। तो मैं चैत में केवल आप ही को देखूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे काम लायक हो जाएंगे। आपको देखिए किसी को भी देखिए, वो तो चश्मा है सबके पर प्रयोग हो सकता है, जनमानस के लिए है, नहीं केवल मैं आपको देखूंगा। अच्छा देखिए भाई, तो जिंदी भैया इतने निश्चल भाव के हैं, मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, मैं यकीनन बहुत अच्छे हैं। अभी आप लोग जाने का जिद मत करिए क्योंकि इनका दिल टूट जाएगा। अब तो फुर्सत में बेचारा हुआ है, तनहा तनहा थे कब से, इसको संभालो उसको संभालो, यहाँ खाना खिलाओ, रिश्तेदार तंग कर रहे हैं, उधर उनकी टीआरपी भाग रही थी तो सबकी टीआरपी भाग रही थी, तो वही बेचारे बड़े व्यथित थे। अब क्या है ना कि सुकून से बैठा है आदमी, तो बस चार पंक्तियां जैसे आपने जब गाया, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, क्या कमाल का, बस पढ़ देता हूँ जिद्दी भैया आवन है ना, अरे आ जा टी टी तो हमारे बहुत अच्छे है भैया हमारे। मैं इनको देखता था गढ़ा में, हम लोग गढ़ा महोत्सव जब होता है हम लोग दोनों लड़ गए थे एक बार, लड़े पूरा जम के 8 बजे तक कार्यक्रम करता जीती भैया। हाँ, हाँ, तो इतिहास आज भी बना हुआ है, तो एक शेर पढ़िए भैया, तब मैं पढ़ता हूँ फिर मेरा भाई का। आप पढ़िए ना। अच्छा ठीक है। एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है, बर्फ में है पांव पर आंखों में शोले जल रहे हैं, दुश्मनों को देखकर दिल के फफोले जल रहे हैं, हाय अकेला मगर सौ मारने की जिद लिए है, अपने सब अरमान भागों में तिरंगे के सिए है, सर्दी गर्मी बरसात हर पल डटा है, गोलियों की गुंज से कब भला पीछे हटा है, जानता है माँ को खून की जरूरत पड़ गई है, इसलिए तो छाती उसकी तोपों के आगे अड़ गई है सिपाही लेकिन फर्ज वो किसी नेता से बड़ा है, एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है। जब संस्कार की पंक्ति आती है ना, अरविंद भैया वहां से निकल के आता हूं तो मुझे लगता है कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर याद रहा और सर की चोटी भूल गए, बिस्लरी पानी याद रहा और घर का मटका भूल गए, टीवी सीरियल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, शादी का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए, हम सब भूलते गए लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा परिवार मिला अंकुश राजा, जब तुम्हारे बाबूजी और माता का प्यार नहीं मिला होता, संस्कार उस पाठशाला में नहीं मिला होता तो तुम इतने कामयाब कलाकार नहीं बन पाते। आपने जब पैसा देना शुरू कर दिया था तो मैं इन बच्चों को देख रहा था, इनके चेहरे की लाली बता रही थी कि कोई अभिभावक है जो कॉपी को जांच रहा है और मोहब्बत से पैसा दे रहा है। एक क्या कमाल के लोग थे, साज-बाज में शिरकत करने वाले लोगों ने डबल ड्यूटी निभाई, फिर भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं है साहब, इसलिए कि आपके घर के आंगन की तुलसी है, ये मंच इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई जिनको मैं देखा करता था आज जॉब में है, और खास करके जब ये मुस्कुराते तो मुझे लगता है कि काश
इनकी तरह लड़के हर घर में होते जो इतने बड़े संस्कार लेकर क्या सरस्वती की माटी धन्य है। अरविंद भैया आप नहीं होते तो हम कलाकार कहां से आते। एक शेर में पढ़ा था कि मेरे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, और ऐसे ही होगी पेट में किसी बेटी की हत्या तो ऐ कबूतर तेरे गले में चिट्ठी कौन बांधेगा। और मुकद्दर तो देखिए वो बांझ भी है भरी भी है, सोचती है मेरी गठरी कौन बांधेगा। और भोजपुरी के मंचों पे अरविंद सिंह का होना कितना जरूरी है, अगर आप नहीं होंगे तो हम दोनों भाइयों के माथे पर पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानता है सारा जहान है मिया, ये जानता है सारा जहान है मिया, यहाँ सिख ईसाई हिंदू मुसलमान है मिया, और कश्मीर की छोड़ो अब लाहौर बचा लो, ये क्रिकेट नहीं जंग का मैदान है। बहुत अच्छा, क्या कमाल है। पापी पाकिस्तान तो सुन ले जिस दिन हम उठ जाएंगे, पापी पाकिस्तान तो सुन ले जिस दिन हम उठ जाएंगे, भीख मंगे तो जान ले तेरी किस्मत रूठ जाएंगे। और परमाणु की धमकी देता वीर कुंवर के बेटों को, परमाणु की धमकी देता वीर कुंवर के बेटों को, हम भारत के बलिदानी लड़काना तक घुस जाएंगे। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजा दीजिए। बढ़िया है अभिनंदन भाई, और हम लोगों में कभी कभी होता है आप, आपकी आपकी दाढ़ी अब धीरे धीरे पकने लगी है, अभी मैंने ध्यान से देखा, शादी कर लो यार, नहीं तो बाद में शादी करोगे तो पड़ोसी ही होली मनाएंगे, अभी कर लोगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सिटी साहब आइए, इन दोनों भाइयों का हम लोग प्रयोग करें। अब दोनों भाइयों को बड़ी मोहब्बत के साथ हम गवा रहे हैं कि दूध को दूध, आजा अंकुश सीधा रहना। अब एक शेर बस पढ़ के देता हूँ कि दूध को दूध पानी को पानी कह दो, मेघ की गर्जना की दरिया की रवानी कह दो, कैश ने लैला को जो दिया था वो निशानी कह दो, सूर के पद मीरा की बाणी कह दो, यूं खामोश रहेगा अरविंद सिंह का परिवार तो कुछ न चाह पाऊंगा, सरस्वती वालों प्यार से ताली बजा दो, अंकुश राजा की कहानी कह दो। बहुत बहुत शुक्रिया। खौफ समंदर का और हवाओं की जवानी दे दे, दुश्मन का सर कलम करे तलवार में वो पानी दे दे, और बेटा चाहे जैसा भी दे अरविंद सिंह जैसी जवानी दे दे। ओके okay.